Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight, and they know. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होंडा की 160 सीसी सेगमेंट में आने वाली होंडा एक्स ब्लेड के बारे में। इस गाड़ी का ओपन कॉम्पिटिशन टीवीएस की अपाचे 160 और पल्सर एनएस 160 से रहता है। होंडा की इस स्ट्रीट बाइक का एक्स शोरूम प्राइस 1,15,000 के आसपास रहता है। इस गाड़ी का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहता है वो इसका हेडलैम्प रहते हैं। जो इसका फ्रंट हेडलैम्प है वो बिल्कुल शार्प फिन की तरह बहुत ही शार्प लुक उनको दिया गया है, देखने में बहुत ही अग्रेसिव दिखाई देते हैं। गाड़ी में जिस इंजन का यूज़ किया गया 160 सीसी का, वो इंजन बहुत ही रिफाइंड है। और इनिशियल पिकअप की बात अगर हम करें तो इनिशियल पिकअप भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में यूज़ किया गया 162.75 सीसी का जो इंजन है वो 13.67 बीएचपी की पावर और 14.7 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर इस गाड़ी के टॉप स्पीड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 120 के आसपास रहती है, और 0 to 100 तो आसानी से गाड़ी कब चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो कंपनी 50 km/L एवरेज इस गाड़ी का क्लेम करती है, लेकिन यह गाड़ी ऑलमोस्ट 45 के आसपास आपको एवरेज निकाल के दे देती है। ये गाड़ी आपको 4 कलर ऑप्शन के साथ में देखने को मिलती है। इसके हैंडल पे ये इसके इंडिकेटर और सेल्फ और हॉर्न के कंट्रोल दिए हुए हैं। इस गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का यूज़ इसमें किया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर है। गियर की सेटिंग की बात की जाए तो पहला गियर आपको डाउन करना पड़ेगा और बाकी सारे गियर्स आपको अप करके पड़ेंगे। गाड़ी के स्पीडोमीटर और डिस्प्ले में आपको स्पीड देखने को मिलती है, और आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा हुआ है ये देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ टाइम भी आपको देखने को इसमें मिलता है। गाड़ी के जो टेल लैंप है उसको भी आगे के फ्रंट की तरह बहुत ही शार्प लुक दिया गया है। चलिए अब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। चलिए ये थी होंडा की एक्स ब्लेड, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।